आज मैं आप लोग को नाउन को सरकर करना बताऊंगी। आप लोग को तो पता है ना कि नाउन किसे कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति जगह जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों हम जितने भी सेंटेंस लिखेंगे उसमें कहीं पे नेम ऑफ पर्सन आएगा, नेम ऑफ प्लेस आएगा और नेम ऑफ एनिमल भी आएगा, नेम ऑफ थिंग भी आएगा। तो हमको सारे को सर्कल करना है। नंबर वन में देखिए, वन नंबर देखिए, एक्सरसाइज थ्री, आई ले कै आई लिव इन इंडिया। मैं भारत में रहता हूं। तो इसमें नाम कौन सा है बच्चों? ये देखिए, इंडिया जो है हमारे देश का नाम है, प्लेस नेम ऑफ प्लेस से जो गया। तो इसको हम सर्कल करेंगे, मैं भारत में रहता हूँ। और देखिए मैं एग्जांपल में से ली हूँ मैं, और ये नंबर वन नहीं है, ये आई लिव इन इंडिया एग्जांपल का है। और दूसरा देखिए क्या था एग्जांपल में से है, दिस इज राम। तो बताइए इसमें नाम कौन है? यह राम है। ये देखिए नेम ऑफ पर्सन है ना, तो हम लोग इसको सर्कल कर देंगे। नेम ऑफ पर्सन यही है ना, यह नाम है। उसके बाद देखिए एच ई ही इज ए बॉय, बॉय वह एक लड़का है। इसमें नाम को ढूंढिए, ये देखिए बॉय नेम ऑफ पर्सन है, इसको सर्कल कीजिए। ठीक है, आई लिव इन इंडिया हो गया था। अब देखिए आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। तो इसमें देखिए मेरे पास एक कलम है, कलम हो गया नेम ऑफ थिंग, इसको सर्कल करेंगे। उसके बाद देखिए दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। इसमें देखिए नेम ऑफ एनिमल ये हो गया कैट, कैट को सर्कल कर देंगे ना। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए इज सीता रेडी, इज सीता रेडी, क्या सीता तैयार है? तो इसमें देखिए नेम ऑफ पर्सन यहाँ है, इसको सर्कल कर दिए। आप देखिए अब मैं आप लोग को नंबर वन से समझाऊंगी, ये एग्जांपल वाला था। आप देखिए बच्चों नंबर वन से समझिए क्या था। दिस इज रवि, या रवि है। इसमें रवि है ना नेम ऑफ पर्सन, इसको सर्कल कर देंगे ना। गुड। नंबर टू देखिए डेट इज सीता, वह सीता है। इसमें नाम देखिए, ये देखिए नेम ऑफ पर्सन है, गर्ल लड़की का नाम है, इसको सर्कल कीजिए और यहाँ पे नहीं है। नंबर थ्री देखिए आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। यहाँ देखिए कहाँ ये जो लड़का है नेम ऑफ पर्सन है ना, इसको सर्कल कर देंगे, कॉमन नेम है। ये सीता और रवि स्पेशल नेम है। नंबर फोर देखिए
वह एक लड़की है। तो इसमें देख लीजिए कहाँ पे नाउन है, यहाँ देखिए गर्ल, ये जो है नेम ऑफ पर्सन है, ये नाउन है, इसको सर्कल करेंगे। नंबर फाइव देखिए, फाइव नंबर, तैयार है। देखिए नेम ऑफ पर्सन यहाँ हो गया,
बच्चों आपके बुक से तो एक्सरसाइज खत्म हो गई है, मैं अपने मन से डाल रही हूँ कुछ नमक, अपना मन से डाल रही हूँ। क्या लिखूँ मैं? हाँ लिख देती हूँ, यू आर ए, नहीं यू आर, ठीक है यू आर ए गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। तो देखिए इसमें नेमिंग वर्ड नेम ऑफ पर्सन है ना, इसको सर्कल करेंगे, एक और डाल दो। ठीक, आई डॉक्टर, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूं। इसमें नाम कहाँ है? यह नाम। तो बच्चों आप लोग को ये समझ में आया? बच्चों ये फिर से मैं पढ़ा दूं आप लोग को, देखिए दिस इज रवि, यह रवि है, दैट इज सीता, वह सीता है, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, ही इज माय फादर, वह मेरे पिता है, आई लव माय मदर, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, सी इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है, वेयर इज योर बैग, आपका बैग कहाँ है? दिखाई दे रही है ना? फिर से आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है, वेयर इज योर बैग, आपका थैला कहाँ है? गिव मी हनी, मुझे शहद दीजिए, इज मोहन रेडी, क्या मोहन तैयार है? यू आर ए गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक आई एम ए गुड डॉक्टर, मैं एक अच्छा चिकित्सक हूँ। तो बच्चों आप लोग को समझ में आया, नाम के बारे में आप लोग को जानकारी मिली, मैंने बताया था ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। तो बच्चों अब आप लोग के लिए अच्छी तरह से समझ में आ गया ना, मैंने पहले नेम ऑफ पर्सन को थिंक किया है, उसके बाद नेम ऑफ एनिमल को भी, सॉरी नेम ऑफ पर्सन को सर्कल किया है, और नेम ऑफ प्लेस को भी सर्कल किया है, और नेम ऑफ थिंग को भी सर्कल किया है, नेम ऑफ एनिमल को भी सर्कल किया है। आप लोग को समझ में आ गई बच्चों? तो कमेंट में यस लिखे, और आप लोग के ये इन सर्कल ऑल द नाउंस इन दिस सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग को